नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स, अब हम उत्तर वैदिक काल, जिसे लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तो जैसे कि पिछली वीडियो में आप समझ चुके हो कि जो पूर्व वैदिक काल था या जो अर्ली वैदिक एज है, वो एक्चुअली लगभग 3500 साल पुरानी थी। और फिर वो उस समय पे हम जानते हैं कि आर्य, शायद पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन आर्य जो है वो विदेशों से भारत आए। ठीक है, आप ये भी जान गए हो कि बहुत सारे ऐसे एकेडमियंस आज ये बोलते हैं कि आर्य भारतीय ही थे, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। तो आर्य भारत आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने पूर्व वैदिक काल में उनके पास ऋग्वेद था। तो धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है, तो आर्य जो है, अभी आप देखिए भारत का मानचित्र है, ये साझा भारत है, भारत पाकिस्तान का। यहाँ पे आर्य जो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, तो यहाँ से फिर वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ने बढ़ने आरंभ हो जाते हैं। और पहले आर्यों के पास एक ही ग्रंथ था, जो कि लिखित रूप में नहीं मौखिक रूप में था, ऋग्वेद। और धीरे धीरे जैसे ही जो लेट वैदिक पीरियड आता है, उत्तर वैदिक पीरियड आता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इस समय पे आर्यों ने बाकी जो अपने वेद हैं वो भी रच लिए हैं, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। इसी के साथ धीरे धीरे दूसरे ग्रंथ भी उन्होंने रच लिए हैं। ये उत्तर वैदिक काल की सभ्यता है, जो कि अब नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ अब जा रही है, और भारत का बहुत बड़ा एरिया नॉर्थ का खास तौर पर यहाँ पर इसको कवर करती है ये। और इस सभ्यता में बच्चों, जैसे कि पिछली सभ्यता में आपने देखा था कि वर्ण सिस्टम तो स्टार्ट हो गया था, वर्ण तो थे, लेकिन वर्ण जो थे वो इतने बहुत ही सख्ती से पालना उनकी नहीं होती थी, कार्य के हिसाब से वर्ण होते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है धीरे धीरे, तो अब वर्ण सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया। अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आगे महाजनपदों के समय पे या गुप्त काल में आगे जाकर हो जाएगा। तो इस समय पर राजा लोग जो हैं उनके पास थोड़ी शक्ति ज्यादा आती है। देखिए, जैसे कि अर्ली वैदिक एज में, जैसे कि आपने देखा कि ये जो राजा थे, राजा की कोई पोस्ट जो थी वो वंशानुगत नहीं थी, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं थी राजा की। राजा कोई भी बन सकता था, क्षत्रिय होता था। और राजा जो है वो सभी लोग जो होते थे, क्योंकि ये जो आर्य लोग थे वो कबीलों में रहते थे, तो ये हर कबीले का अपना नाम होता था, और उसके साथ ये अपने कबीले को जन कहते थे, जैसे कि भरत जन है, पुरु जन है। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि कुछ जन जो हैं, कुछ कबीले जो हैं, वो बाकी कबीलों के ऊपर ज्यादा भारी पड़ने लगे, तो उनको उनके अंदर ज्यादा ताकत आने लगी। तो धीरे धीरे जो अब ये जो राजा था, इसका पूरा जो सिस्टम है, राजा का सिस्टम, या पूरा जो जनों का, ये जो पहले जनों में डिवाइडेड थे ये कबीले, अब ये जनपद बन जाते हैं। तो इस समय को जो उत्तर वैदिक काल है, इसे जनपदों का समय भी कहा जाता है। तो अब हम धीरे धीरे करके पहले ये समझते हैं कि राजा के पास ज्यादा ताकत कैसे आती है। तो बच्चों, कुछ राजा हैं वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसे एक्चुअली हम यज्ञ कहते हैं, उसका एक्चुअली में उसे यज्ञ कहना चाहिए। तो ये जो अश्वमेध नाम का एक यज्ञ होता है, इसे राजा परफॉर्म करवाते हैं ब्राह्मण्स के द्वारा। और उसकी वजह से जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया, वो राजा जो है, वो जन का जो राजा है, वह अपने आसपास के जन के राजाओं से ज्यादा ताकतवर बन जाता है, और अब वह जनपदों का राजा है। देखिए कैसे, तो जब अश्वमेध सैक्रिफाइस होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तो एक यज्ञ करते समय एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि राजा के अपने राज्य में और आसपास के जितने भी कबीले होते थे उन राजाओं के एरियाज में जाता है। और अगर तो वहां के राजाओं ने उस घोड़े को अपने एरिया से पास होने दिया, अपने क्षेत्र से पास होने दिया, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मान लिया है कि जिस राजा का यह घोड़ा है वह उनसे ज्यादा ताकतवर है, तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब फिर इसके बाद जो 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 राजाओं ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, वो सब आते हैं, और जो राजा जिसने घोड़ा भेजा था वह अश्वमेध यज्ञ करता है। और इस यज्ञ में दूसरे राजा भी आते हैं जिन्होंने उस घोड़े को अलाउड कर दिया अपने क्षेत्र में से जाने के लिए। और उसके बाद फिर वो उसे गिफ्ट लेकर, उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं राजा के लिए। और इसी तरह से अगर कोई राजा
अपने इस घोड़े को अपने एरिया अपने क्षेत्र में से नहीं निकलने देता, तो उसको फिर राजा की आर्मी के साथ में युद्ध करना पड़ता है। और अगर वो युद्ध में जीत जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर वह युद्ध में हार जाता है तो फिर वही बात है कि उसका राज्य जो है वो इस राज्य में मिला दिया जाता है। अभी बहुत बड़े बड़े राज्य नहीं बने हैं, लेकिन अभी हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं बच्चों। अभी बहुत बड़े बड़े राज्य साम्राज्य आदि वैसे नहीं बना है, लेकिन ये है कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो कबीले ही आपस में, उनमें से कुछ राजा जो हैं वो कबीले ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और वो अश्वमेध यज्ञ की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये एक तरह की पावर का शो है, आप इसको पावर का शो की तरह दिखा सकते हो कि कोई राजा कहता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं, तुम सबको मेरे अंडर रहना चाहिए, अगर नहीं रहते हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। तो इस तरह से कुछ राजा जो कबीलों के राजा थे, जनों के राजा थे, अब वो जनों के राजा दूसरे जनों के राजाओं से ज्यादा ताकतवर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब ये जो राजा है इन्हें जनपदों का राजा कहा जाता है। तो जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर लिया वो राजा जो है वो जनपदों के राजा माने जाते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा था वह टाइगर स्किन यानी कि जो शेर की जो खाल है उसके ऊपर बैठता था, या स्पेशल उसके लिए सिंहासन बनाया जाता था छोटा मोटा, और उसका जो रथी होता था जो उसके रथ को चलाने वाला होता था वो भी उसके, उसने जितने भी गोविष्ठी की थी यानी कि जितने भी उसने लड़ाइयां लड़ी हैं उन लड़ाइयों में उसने कितनी बहादुरी दिखाई है उसकी, उसके बारे में गीत गाता था। और राजा के जो पुत्र हैं और राजा की जो पत्नी है उनको भी अश्वमेध यज्ञ में कुछ ऐसे रिचुअल्स करने होते थे जो कि वही कर सकते थे। और जो जो ब्राह्मण है जो पुरोहित है राजा के वो जो है सेक्रेट वाटर जो दिव्य जल राजा के सिर के ऊपर छिड़कते हैं, और जो राजा है राजा की जो प्रजा है उस जन में रहने वाले जो लोग हैं वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो अब ये राजा जो बन गए हैं, ये राजा बन गए हैं जनपदों के राजा। और जनपद का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि ऐसी जगह जहां पर जनों ने अपना पैर रखा है। तो अब ये जो जनपदों का समय है इसके एरियाज की अगर बात की जाए तो इस एरिया, ये एरियाज हैं पुराना किला दिल्ली के पास, जनपदों के होने के सबूत मिले हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी जनपदों के होने के मिले हैं सबूत। अतरंजी खेड़ा ईटा में ये भी सबूत मिले हैं। तो इस समय बच्चों जो जनपदों के राजा थे और जो प्रजा थी उनकी वो अभी भी झोपड़ियों में ही रहती थी, और ये लोग खेती करते थे, गेहूं है, जौ है, चावल है, दालें हैं, गन्ना है, तिल है और आदि की खेती की जाती थी। इसी के साथ ही वो जानवरों को भी पालते थे, खास तौर पर गाय आदि जानवरों को और घोड़े आदि जानवरों को वो पालते थे। इसके साथ ही बच्चों ये जो लेट वैदिक एज है, उत्तर वैदिक काल है, इस समय इसमें एक ग्रे कलर की स्पेशल पॉटरी मिली है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रे पेंटेड ग्रे वेयर जो कल्चर है ये कौन से काल से संबंधित है। ये है उत्तर वैदिक काल से, यानी कि लेट वैदिक पीरियड से हमें इस तरह की पॉटरी मिली है जो कि ग्रे कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर के डिजाइंस बने हुए हैं। अभी आप चित्र में देख सकते हैं कि ये पेंटेड ग्रे वेयर है, लगभग 1000 BC पुराना, यानी कि लगभग 3000 साल पुराना, जो कि हस्तिनापुर से मिला है और उत्तर प्रदेश के राधा कुंड से मिला है, पानीपत हरियाणा आदि से भी ये मिला है। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो कल्चर है ये एक्चुअली जनपदों का ही कल्चर है, उत्तर वैदिक काल की ही बात है। और जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें रेड वेयर कल्चर था, यानी कि लाल रंग के जो है वो घड़े आदि मिट्टी के बनाए जाते थे। और जनपदों का जो समय है या जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसमें लाल वाली जो पॉटरी वो तो मिल ही रही है, लेकिन ये खास तौर पर ये एक सोफिस्टिकेटेड पॉटरी है जो कि शायद कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर इस्तेमाल की जाती रही हो। तो जो इसका है पेंटेड ग्रे वेयर इसका नाम है, और ये जनपदों के उत्तर वैदिक पीरियड काल के साथ में संबंधित है। तो बच्चों अब हमने दोनों वीडियोज में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों के बारे में पढ़ लिया है। और एक बार इन सबकी एक बार मोटी मोटी रिवीजन कर लेते हैं कि जो आर्य थे, ये कंट्रोवर्शियल चीज है कि आर्य विदेशों से आए थे। आजकल बहुत विद्वान ऐसा मानते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। तो आर्य
जैसे भी है कि विदेशों से या जैसे भी आर्य भारत में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के काफी समय बाद 3,000 साल पहले आज से लगभग पूर्व वैदिक सॉरी 3,500 साल पहले ऋग्वैदिक काल, जिसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड, स्टार्ट होता है। और इसके जो लोग हैं ये यहाँ पे वर्ण सिस्टम है, और बहुत ही हल्का सा वर्ण सिस्टम है, कार्यों के हिसाब से वर्ण सिस्टम है। और ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलते हैं, और इनका जो ग्रंथ है ऋग्वेद है, जो कि 3,500 साल पुराना माना जाता है। हालांकि उस समय पर ये लिखा नहीं गया था, लेकिन मौखिक रूप से एक से दूसरी जनरेशन को ये सिखाया जाता था। और इसमें नदी स्तुति सूक्त जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें नदी स्तुति सूक्त जो है, इसमें जो सप्त सिंधु कहा जाता है पंजाब के आसपास के पूरे क्षेत्र को, सिंधु नदी को मिलाकर, सरस्वती नदी को मिलाकर, इसमें 5 नदियां जो हैं, जो जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, उनके भी अपनी वैदिक संस्कृत में उनके नाम हैं। झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा गया है, चेनाब को अस्किनी कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है, व्यास नदी को विपाशा कहा गया है, और सतलुज नदी को शुतुद्री नदी कहा गया है। तो ये सप्त सिंधु हैं। वैसे ऋग्वेद में गंगा और यमुना का भी मेंशन है, लेकिन एक बार ही मेंशन है। इसके साथ ही ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी, यह वैदिक संस्कृत भाषा थी, यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ ही जो ये जो आर्य थे, ये पहले ट्राइब्स में विभाजित थे, कबीलों में विभाजित थे, और ये अपने आपके जो कबीले थे, अपने आप को जना या विश कहते थे, अनुजना, यदुजना, पुरुजना, भरतजना, इस तरह से अपने आप को कहते थे। और इनका जो राजा होता था उसे राजन कहा जाता था। और इसी हालांकि यह है कि जो राजा की पोस्ट है, ये कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं थी, वंशानुगत पोस्ट नहीं थी। राजा की हेल्प के लिए सभा और समितियां होती थी, जो कि राजा की मदद करती थी। और इसी तरह से पुरोहित होता था राजा का, जो प्रीस्ट है, इसी तरह से सेनानी होता था, जो कि आर्मी का कमांडर इन चीफ होता था। ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, सभी लोग जो ये उत्तर वैदिक काल की बात है, जब आर्मी रखनी आरंभ की, बहुत ही छोटे लेवल पर वो भी, तो अभी, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल है उसमें कोई प्रॉपर आर्मी नहीं होती थी। उसमें जितने भी लोग एक ट्राइब में होते थे वो सारे गोविष्ठी के लिए जाते थे। और धीरे धीरे फिर ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो वर्ण है, ये धीरे धीरे अभी स्ट्रांग होता जाता है वर्णा सिस्टम। इसी तरह से जो ऋग्वैदिक कॉम्पोजिशन है, उसके बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्, साम और अथर्ववेद की भी कॉम्पोजिशन होती है लेटर वैदिक पीरियड में। और इसी तरह से इसमें ऋषियों का तो योगदान है ही, इसमें ऋषिकाएं भी हैं, जैसे कि अपाला है, घोष है, विश्वावरा है, ऐसी ऋषिकाएं हैं, स्त्री ऋषियां हैं, जिन्होंने बहुत सारे सूक्त रचे हैं। इसी तरह से वैदिक साहित्य में एक सोम नाम की एक बहुत ही रहस्यमयी एक ड्रिंक के बारे में बहुत बार मेंशन है। अभी तक भी समझ नहीं आया कि सोम वास्तव में किसी प्लांट का जूस है या यह कोई देवता है, या एग्जैक्टली अभी तक समझ में नहीं आया है। और इकोनॉमिकली देखा जाए तो बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। तो इसमें देवताओं की कैटेगरीज एक बार पढ़ लेते हैं। देवता भी कई तरह के हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल गॉड्स हैं, यानी कि जो पृथ्वी पे ही कहने वाले, जो जो हमें दिखाई देने वाले कौन से देवता हैं, इसमें पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है। फिर एटमोस्फेरिक यानी कि वातावरण के जो देवता हैं वो है इंद्र हैं, जो कि थंडर, बिजली के, बारिश के देवता है। वायु है, उनको मारुत कहा जाता है। फिर स्वर्ग में रहने वाले देवता कौन कौन से हैं, उनमें सूर्य है, पुषाण है, विष्णु है, अश्विन कुमार है, और वरुण है आदि। और वरुण और इंद्र वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देवता हैं। और जो यज्ञ किए जाते थे वो दूध और अनाज और घी आदि के साथ में यज्ञ किए जाते थे। और पूर्व और उत्तर उत्तर वैदिक काल में तो हम खास तौर पर देखते हैं कि गणित और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो काफी एडवांस हो गई है। और इसके साथ ही एस्ट्रोलॉजी भी जानी जाती थी, जो एक्लिप्सिस के बारे में भी, यानी कि जो ग्रहण लगते हैं आप धरती की, धरती जो अपने दूरी पर घूमती है, उसके बारे में भी, और आयुर्वेद के बारे में भी धीरे धीरे एडवांस जानकारी बढ़ती जाती है। और इसी तरह से बच्चों उत्तर वैदिक काल में ही पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिली है, ग्रे कलर की पॉटरी मिली है, और ये शायद स्पेशल ओकेजन पर इस्तेमाल की जाती थी। तो इसी तरह से ये जो लेटर वैदिक पीरियड है या उत्तर वैदिक काल है, उसी में
धीरे धीरे फिर जो पहले पूर्व वैदिक काल में जो जन होते थे, धीरे धीरे वो ट्राइब्स में से कुछ ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अश्वमेध यज्ञ करता है राजा, और फिर वह राजा जो है वह जनपदों का राजा होता है। और जनपदों के आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में बहुत सारे एरियाज मिले हैं जहां से जनपदों के होने के सबूत मिले हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इसी तरह से इतिहास से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।